हे गाइस, वेलकम बैक। गाइस, आज की जो वीडियो है ना, काफ़ी शानदार होने वाली है, क्योंकि आज हम मोबाइल पर ट्रेड करके अपना 10% अकाउंट को ग्रो करने की कोशिश करेंगे। ये मेरा वही अकाउंट है जो मैंने सीरीज स्टार्ट किया था ना, ठीक है। 30 डेज का मेरा चैलेंज है, इस अकाउंट को हम ग्रो करने वाले हैं। किस तरीके से आप मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग कर सकते हो, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं गाइस। तो आप देख सकते हो मेरा अकाउंट का जो बैलेंस है ना, वो 13,459 रुपीज़ का अकाउंट का बैलेंस है। तो इसको आज हम 10% अचीव करने की कोशिश करेंगे, ओके। तो किस तरीके से आपको मनी को मैनेज करना है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप हमारा देख सकते हो हिस्ट्री भी, यहाँ से मैंने 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट किया है, उसके बाद मैंने इसे ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया है, ठीक है। मेरा सिंपल अकाउंट है, ठीक है। चाहो तो मैं एक ही दिन में इसको मैं 3 लाख तक पहुँचा सकता हूँ, पर भी आपको मैं सिखाने के लिए मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ओके। तो गाइस, अभी जो मैं इससे अमाउंट को जो सेट करने वाला हूँ ना, वो 450 रुपीज़ इससे मैं अमाउंट को सेट करके अभी इससे मैं ट्रेडिंग करने वाला हूँ। आपके कैपिटल के हिसाब से आपको ट्रेडिंग करना है, और कैपिटल के हिसाब से आपको इससे अमाउंट को सेट करके, ठीक है, आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो यहाँ से मैं आज एक इंडिकेटर अप्लाई करूँगा जिसका नाम है गाइस फ्रैक्टल चूज बैंड। तो उसकी मदद से आज हम ट्रेड करने वाले हैं। किस तरीके से मैं इसका, देखिए कुछ सेटिंग वगैरह नहीं है, इससे मैं डायरेक्ट अप्लाई करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैं इसका कुछ सेटिंग नहीं है, ओके। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट अप्लाई करके इसका जो कलर है ना, आपके हिसाब से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से मैं इसको ले लेता हूँ इंडिकेटर को। तो यहाँ पर हमारे हिसाब से हम कलर सेलेक्ट कर देते हैं जैसे, ठीक है। कलर सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो गाइस देखिए, वीडियो को ध्यान से देखिए। तो इधर से मैं देखिए, सिर्फ लाइव मार्केट में उतना ही वर्क करता है, ओके। तो यहाँ पे हमको, तो चलिए कोई और करेंसी पर मैं ले लेता हूँ, जहाँ से हमको अच्छा खासा इंडिकेट मिले, वहीं से मैं आपको एंट्री लेके एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिए गाइस, एक एक पॉइंट जो है ना, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, ओके। तो गाइस चलिए, यहाँ से मैं ट्रेड प्लेस कर देता हूँ अपर डायरेक्शन के लिए, ओके। तो मार्केट ने ऐसे ब्रेकआउट किया है। देखिए, फर्स्ट जो मेरा ट्रेड होता है ना, वो मार्केट को पहचानने के लिए होता है, यानी मार्केट यहाँ से किस तरीके से मूव कर सकता है। इसलिए मैं बताता हूँ कि आपको मैं स्टार्टिंग जो अमाउंट आपको लेना है ना, वो सिंपल अमाउंट से स्टार्ट करना है, तब आप देख नेक्स्ट ट्रेड आप ले सकते हो डबल अमाउंट की, यानी आप प्रॉफिट का जो चांस रहने वाला है वो डबल रहता है, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए गाइस, आपको सब कुछ पता चलने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से मैंने अपर डायरेक्शन के लिए एंट्री ली थी, यहाँ से बड़े बड़े मार्केट ने रेड कैंडल्स क्रिएट किया है। तो यहाँ से मार्केट का वॉल्यूम जो है ना, वो डाउन की सेट है, ठीक है। इसकी क्लोजिंग पे अगर ये रेड में क्लोज करेगा, तो मार्केट में इससे डाउन की सेट डबल अमाउंट की इधर से एंट्री लेने वाला हूँ अभी, ठीक है। यहाँ से मैं 1 मिनट करके देखता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना बड़ा रेड कैंडल क्रिएट किया मार्केट ने। तो इसके क्लोजिंग पे गाइस, हम अभी डाउन की सेट ट्रेड प्लेस करने वाले हैं डबल अमाउंट की, ठीक है। तो यहाँ से मैं 2 ट्रेड प्लेस किया हूँ डाउन की साइड। तो आप देख सकते हो इस कैंडल के ऊपर गाइस वीकनेस नहीं है, यानी जैसे ही कैंडल स्टार्ट किया ना, वैसे ही मार्केट ने इसे डाउन की साइड आना स्टार्ट किया है, ठीक है। इस कैंडल पे कोई भी बायर का प्रेशर नहीं आ रहा, तो उसी को देख करके इसे मैंने डाउन की साइड ट्रेड प्लेस की है। प्लस देखिए, सपोर्ट लाइन को मार्केट, रेजिस्टेंस एरिया को मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, ठीक है, ये वाला रेड कैंडल है। तो अगला कैंडल 110% डाउन की साइड आना चाहिए, ठीक है। तो उसका जो टारगेट है ना गाइस, आपको मैं सेट करके दिखा देता हूँ। इसका टारगेट जो है ना, ये नीचे वाला लेवल है, यहाँ पे आपको मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। इसका टारगेट देखिए, ये वाला लेवल है। तो यहाँ तक मार्केट को एक रेड कैंडल, ये वाला रेड कैंडल यहाँ पर टच करने के लिए आना चाहिए। आप देख सकते हो मार्केट ने हमारे लाइन्स को टच भी किया है, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैं टारगेट फाइन करता हूँ गाइस, आपको भी कुछ इस तरीके से टारगेट फाइन करके आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और कुछ ही सेकेंड गाइस, हमारे इस ट्रेड के क्लोजर में आप देख सकते हो हमारे सपोर्ट लाइन तक आ चुका है मार्केट, ठीक है। तो कुछ ही सेकंड गाइस, हमारे स्ट्रेट के क्लोज होने में, ओके, 5, 4, 3, 2, 1। तो गाइस प्रॉफिट, इसको कहते हैं गाइस मनी मैनेजमेंट। आप देख सकते हो किस तरीके से मैं मनी को मैनेज कर रहा हूँ, हर एक वीडियो में बता रहा हूँ गाइस, आपको भी कुछ इस तरीके से मनी को मैनेज करके आप ट्रेड कर सकते हो गाइस। अगर आप मनी मैनेजमेंट सीख गए ना, कभी आपको लॉस नहीं होने वाला है, ओके। तो गाइस सबसे पहले यहाँ से जो है ना, मैं कैंडल स्टिक का टाइम फ्रेम मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे चेक करते हैं मार्केट यहाँ से किस तरीके से मूव कर रहा है। तो चलिए गाइस, मैं कोई और करेंसी पर ले लेता हूँ, जहाँ से हमको अच्छा खासा इंडिकेट मिले, वहीं से मैं आपको एंट्री लेके एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो गाइस बस वीडियो को ध्यान से देखिए, एक एक पॉइंट जो है ना, आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो गाइस यहाँ से हमको एक इंडिकेटर मिल सकता है डाउन की साइड, क्योंकि जो हमने इंडिकेटर अप्लाई किया ना, जिसका नाम है फ्रैक्टल चूज बैंड, तो उस इंडिकेटर ने हमको एक सिग्नल मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हो अपने रेजिस्टेंस एरिया को टच करके यहाँ से एक रेड कैंडल क्रिएट किया मार्केट ने। तो अभी इसका जो टारगेट है ना गाइस, ये नीचे वाला इसका सपोर्ट लेवल है। तो अगली कैंडल पर जो जाने वाला हूँ ना मैं, वो डाउन की साइड ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ गाइस। तो इसकी क्लोजिंग पे अभी लूँगा मैं, आपको भी देखिए इसके जो 1 मिनट का कैंडल रहता है ना, उसके क्लोजिंग पे आपको एंट्री लेना है, ठीक है। जैसे मैंने इसे एंट्री लेना, वैसे भी आपको क्लोजिंग पे लीजिए एंट्री, तभी आप प्रॉफिट के चांस ज़्यादा रहने वाले हैं, ओके। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। देखिए, कोई भी इंडिकेटर आपको 100% रिजल्ट नहीं देने वाला है, और आपको कैपिटल के हिसाब से आपको मनी को मैनेज करना होगा, और आपको प्राइजेशन को भी यूज़ करना होगा, ठीक है, इंडिकेटर के साथ साथ, ओके। तो यहाँ से मैंने एक ट्रेड प्लेस किया गया इस डाउन की साइड।
तो देखिए जैसे हमने एंट्री लेना वैसे ही मार्केट यहाँ से आपकी साइड जाना स्टार्ट किया है, ठीक है। यहाँ से मैं कैंडलस्टिक का टाइम फ्रेम थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ। ओके ओपन ही नहीं हो रहा है, चलिए तो 5 सेकेंड कर देता हूँ मैं। ओके तो यहाँ से चलिए गाइस, यहाँ से मैं वन स्टेप मार्टिंगल फॉलो करता हूँ, दो ट्रेड, ठीक है। तो यहाँ से देखिए मार्केट अभी ना रजिस्टेंस एरिया की तरफ फिर से आ चुका है, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बना करके अपने रजिस्टेंस एरिया को टच किया है, ठीक है। उसी को देख करके जैसे मैंने वन स्टेप मार्टिंगल फॉलो किया हूँ डबल अमाउंट की, तो ये तो हमको फर्स्ट ट्रेड जो है ना हमको लॉस हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो हमारा ये इधर से सेकेंड ट्रेड लगा हुआ है डबल अमाउंट की। तो गाइस कुछ इसी तरीके से भी आपको एंट्री लेना होगा। देखिए आपका एक गोल होना चाहिए, प्रॉफिट का एक गोल रखिए और लॉस का भी एक गोल रखिए। अगर दो में से अगर कोई भी अगर आपको एक हिट हो जाता है तो आपको ट्रेडिंग को स्टॉप करना है, ठीक है। तो यहाँ से मेरी अभी सेकेंड ट्रेड लगी हुई है, हमारे पास तीन चांस रहने वाले गाइस, ठीक है, हमारे कैपिटल के हिसाब से। तो मैंने स्टार्टिंग जो अमाउंट मैंने की था ना वो 450 से स्टार्ट किया था, तो हमको फर्स्ट जो हमको लॉस हो चुका है, जैसे अभी हमारा सेकेंड ट्रेड लगा हुआ है, ठीक है, 900 रुपीज़ का, तो इसका मैं डबल अमाउंट यूज़ किया हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं इसमें अगर हमको लॉस हो जाता तो मैं एक और अटेम्प्ट लूंगा, अगर हमको वो भी लॉस हो जाता तो इससे मैं ट्रेडिंग को स्टॉप कर दूंगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारा मनी मैनेजमेंट होने वाला है, ठीक है, हमको लॉस तो नहीं होने वाला है, ठीक है। आप देख सकते हो हमारा जो जितना भी हमने प्रॉफिट किया था ना 3 डेज तक वही हमको लॉस होने वाला है, अगर लॉस होगा तो, ठीक है। हमारा जो थर्ड है ना वो शॉर्ट शॉर्ट लेने की हम अभी से मैं कोशिश करने वाला हूँ गाइस, तो हम वो ये भी सेकेंड ट्रेड जो है ना वो लॉस हो चुका है। तो चलिए गाइस सबसे पहले से मैं अमाउंट को सेट कर देता हूँ, अभी जो अमाउंट मैं जैसे लेने वाला हूँ 2000 रुपीज़ सेट कर देता हूँ गाइस, ठीक है। हमारा जो 900 रुपीज़ का लॉस हुआ ना तो उसको हम कवर करना है, सॉरी गाइस 900 का नहीं, कितना हमको लॉस हुआ है 1950 रुपीज़ का लॉस हुआ गाइस, उसको हम कवर करेंगे अभी इससे, ठीक है। मार्केट का जो है ना इसे थोड़ा सा वेट, देखिए मार्केट को यहाँ से गिरना चाहिए था पर भी मार्केट यहाँ से एक एरर करने देने की कोशिश कर रहा है। तो गाइस यहाँ से एक सेकेंड, इसका मैं कैंडलस्टिक टाइम फ्रेम में 5 सेकेंड कर देता हूँ। तो चलिए गाइस मैं यहाँ से एक ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ डाउन की साइड, तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ से स्ट्रांग मार्केट का जो है ना वो रेजिस्टेंस एरिया था, तो पर भी देखिए मार्केट ने यहाँ से एक एरर कैंडल दिया है, देखिए यहाँ इसका जो टारगेट है ना ये ऊपर वाला लेवल है। तो यहाँ पे हिस्ट्री में आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ने टच किया है, ठीक है, यहाँ पे देखिए बार बार टच करके यहाँ से डाउन की साइड आ रहा है, तो इसका स्ट्रांग हो गया रेजिस्टेंस एरिया। तो अभी जो ना मार्केट को 110% ऐसे गिरना ही चाहिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको देखना होगा, ठीक है। बार बार टच होना चाहिए सपोर्ट लाइन या रेजिस्टेंस एरिया पे अगर ट्रेड लेते हो तो, ठीक है। तो वहाँ पे आपको देखना होगा हिस्ट्री में जा करके मार्केट यहाँ से डाउन के साइड गिरा या नहीं, कुछ इस तरीके से मैंने इधर से एनालाइज करके यहाँ पे ट्रेड लिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ने फाइनली इसे कितना बड़ा रेड कैंडल क्रिएट किया है, इसका जो टारगेट है ना गाइस ये नीचे वाला लेवल है, सपोर्ट लाइन तक मार्केट को भी आना चाहिए। और 35 सेकेंड गाइस, ठीक है, देखिए मार्केट कितना बड़ा इसे रेड कैंडल क्रिएट किया और सपोर्ट लाइन को भी टच किया मार्केट ने। ओके तो देखिए रिजल्ट आप लोगों के सामने गाइस, देखिए हमने ओल्ड वाला जो सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया था वहां से फिर से मार्केट ने यहाँ पे टच किया है। अगर मार्केट इसके अंदर रहता है तो मैं इससे अपवर्ड डायरेक्शन के लिए जा सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इसका क्लोजिंग देखते हैं, क्लोज होने के बाद यहाँ से मैं अमाउंट को भी सेट कर दूंगा अपना 450 रुपीज़, ठीक है। आपको भी कुछ इस तरीके से स्टार्टिंग अमाउंट पे आ जाना अगर आपके ट्रेड प्रॉफिट हो जाती तो, ठीक है। तो यहाँ से जो है ना हमको प्रॉफिट हो चुका है गाइस, हमारा अकाउंट का बैलेंस आप देख सकते हो इधर से गाइस, मैं जो अमाउंट को है ना सेट कर देता हूँ 450 रुपीज़, ठीक है। यहाँ से मैं ट्रेड प्लेस कर देता हूँ गाइस अपवर्ड डायरेक्शन के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे टच करके मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल क्रिएट किया, तो यहाँ पे कंफर्मेशन मिल चुका है हमको जिससे मार्केट को जो है ना इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था, तो इसलिए गाइस मैं अपवर्ड डायरेक्शन के लिए इसे ट्रेड प्लेस की है। तो ये तो हमको प्रॉफिट होना चाहिए। तो गाइस इसकी क्लोजिंग पे देखते हैं हमारा टारगेट हिट होता है या नहीं। तो जो हमारा टारगेट है ना गाइस वो हमारा 14,790 रुपीज़ का टारगेट है गाइस, ठीक है। अगर हमको टारगेट हिट हो जाता है तो इसमें ट्रेडिंग को स्टॉप करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये भी प्रॉफिट होगा तो हमारा शायद टारगेट हिट नहीं होगा, एक और मेरे को ट्रेड लेना पड़ेगा गाइस, ठीक है। देखिए आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट ने ग्रीन कैंडल्स बनाना स्टार्ट किया है, एक और कैंडल बाकी है गाइस 15 सेकेंड का, तो मार्केट ने यहाँ से फाइनली सपोर्ट लिया है, ठीक है। और कुछ ही सेकेंड गाइस 5, 4, 3, 2, 1, तो गाइस प्रॉफिट, ठीक है गाइस। तो अभी तक हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ है गाइस, तो अभी अभी से गाइस मैं जो है ना असेट को चेंज कर दूंगा, जहाँ से वो अच्छा खासा इंडिकेटर मिले वहीं से मैं आपको एंट्री लेके एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए वीडियो को ध्यान से देखिए गाइस, एक एक पॉइंट जो ना आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, किस तरीके से मैं एनालाइज कर रहा हूँ, किस तरीके से मैं ट्रेड कर रहा हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से जो है ना मैं असेट को चेंज कर दूंगा अभी,
ओके तो गाइस सबसे पहले मैं ट्रेड प्लेस कर रहता हूँ डाउन की साइड, उसके बाद मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों को यहाँ से मैं क्यों एंट्री ले आऊँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ से मार्केट का जो ना एक रेजिस्टेंस एरिया ड्रा होता है, यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन ले आऊँ। ठीक है, यहाँ से इसका जो कलर है ना मैं सेलेक्ट कर देता हूँ येलो वाला। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से मार्केट यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ, इसका होगा रेजिस्टेंस एरिया। अभी मार्केट को 100% गाइस यहाँ से डाउन की साइड आना चाहिए। ठीक है, इसका थर्ड टच है गाइस, थर्ड टच जो है ना गाइस वो 100% वर्क करता है। ठीक है, एक और बात मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, देखिए जब भी आपको दो टच के लेकर कुछ इससे किसी अगर ड्राव कर देंगे तो थर्ड टच जो है ना वो 100% वर्क करता है। ओके, 3-1, तो गाइस ये भी हमको प्रॉफिट हो चुका है। तो गाइस आप देख सकते हो हमारा जो टारगेट है ना वो अचीव हो चुका है। अभी गाइस हम इससे ट्रेडिंग को स्टॉप करने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, हमारे अकाउंट का बैलेंस आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से अब आपको मैं चलता हूँ अपने टॉप ट्रेडर रैंकिंग भी आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कॉर्नर वाले ऑप्शन पर, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा मैं बैक जाता हूँ, चलते हैं हमारे टॉप ट्रेडर रैंकिंग पर। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो $15.87 का हमने प्रॉफिट अर्न किया है, जो हमारा टारगेट है ना वो हिट हो चुका है। तो यहाँ से अभी हमें ट्रेडिंग को स्टॉप कर देते हैं। ठीक है गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस कीजिए गाइस, ताकि आपको एक भी वीडियो मिस ना हो। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।